सांबल में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 52 बाइक बरामद करने का दावा किया। दरअसल मामला गन्नौर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने 5 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। और अभी तक गन्नौर इलाके में एक साल में 1000 से अधिक बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है और मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जनपद संभल में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जो व्हीकल थेफ्ट गैंग है उनके अगेंस्ट में चलाया जा रहा है। आज गुन्नौर थाना क्षेत्र में 3 बाइक चोर पकड़े गए थे, जिनकी निशानदेही पे 3 बाइक मिले और उनके गहन पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि नरोरा ब्रिज के पास में उनके और साथी हैं और बाइक के साथ में वहाँ उन लोगों ने एक पूरा अड्डा बना रखा है। वहाँ पर पुलिस गई तो उनके पास से 52 बाइक बरामद हुए हैं, टोटल 52 मोटरसाइकिल्स बरामद हुए हैं और इसमें 5 अपराधी पकड़े गए हैं। इनका एक साथी मास्टरमाइंड है मोहन, वो भी पकड़ा गया है और इसके कई साथी अभी फरार हैं, उनके बारे में भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। इसमें ये निकल के आया है कि ये हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली और अन्य राज्यों से भी बाइक चोरी करते थे और वहाँ से उठा करके ला करके सस्ते दामों में 12-15 हज़ार में लोगों को बेच देते थे। इनके पास से पूरा अपैरेटस मिला है, जिससे ये चेसिस नंबर, नंबर प्लेट और ये सब बदल करके फर्जीवाड़ा करके भी गाड़ी काट करके दूसरे गाड़ी में असेंबल्ड कर देते थे। अब ये गैंग पकड़ा गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।